हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस प्रकार की पिक्चर किस प्रकार से बनाया जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे क्रॉप्स के ऊपर और यहाँ पर हमारा इस रेशियो रहेगा 2000 पिक्सल, ठीक है। और हमारा इसको हम रखते हैं 150, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज को हम यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है। कंट्रोल जे करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। उसके बाद आएंगे हम यहाँ से इसको हाइड कर रहे हैं, ठीक है। सारा काम जो करेंगे हम लेयर के ऊपर करेंगे। उसके बाद आएंगे प्रॉपर्टी के ऊपर और यहाँ से हम आएंगे रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर। ये हो गया। यहाँ पर कुछ देख रहे हैं आप, बचा हुआ है तो क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे क्विक टूल के ऊपर, क्विक टूल यहाँ पर। उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यह सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर और यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट मार्क्स, शिफ्ट के साथ हम इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट रेशियो जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका थोड़ा सा हम साइज बढ़ा ले रहे हैं स्केल का, ठीक है। और यहाँ से हम इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम 100 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू लेयर और विथ न्यू मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर मास्क के ऊपर, और यहाँ से ओके पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं और ये थोड़ा हम देख रहे हैं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ब्रश टूल के ऊपर आएंगे और यहाँ से इसको इसकी साइज हम बढ़ा ले रहते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। आएंगे सेलेक्ट के ऊपर और यहाँ सेव सिलेक्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसको एक यहाँ पर न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद पहले इसको कंट्रोल डी करेंगे, जो सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद अल्ट के साथ डिलीट को हम प्रेस करेंगे। ये देखिए पूरा ये ब्लैक ब्लैक हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ऊपर पहली और लेयर पे और यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे ब्लैक एंड वाइट के ऊपर। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू लेयर को लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे शिफ्ट अल्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ से हम उसको साइज को बढ़ाएंगे। ये देखिए हो गया। उसके बाद आएंगे हम सेलेक्ट के ऊपर और मॉडिफाई फेदर के ऊपर क्लिक करेंगे, फेदर हमारा 150 रहेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कलर हमारा इस प्रकार सा रहेगा। उसके बाद हम आएंगे कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करेंगे, ये पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल और डिलीट को प्रेस करेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे, ये पूरा सिलेक्शन हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ लेवल तक हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ये सारा एक में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर एक और लेयर लेंगे इन दोनों के बीच में और इसको हम यहाँ पर हाइड कर रहे हैं। हाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, लेटर के ऊपर आएंगे, यहाँ पर टैपिंग हॉरिजॉन्टल टैपिंग टूल्स के ऊपर और यहाँ से हम इसकी साइज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने टेस्ट लिखा हुआ है, इसको हम पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट सबको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको हो गया। फिर यहाँ से
कंट्रोल भी फिर से करेंगे, ये देखिए। और यहाँ से इसका टेस्ट का जो साइज है पूरा पहले सेलेक्ट कर लें हम यहाँ से सेलेक्ट, और इसका साइज हम यहाँ से बढ़ाएंगे 16, और यहाँ से हम इसको बड़ा कर देंगे 16 यहाँ पर करेंगे, और इसकी जो साइज है इसको हम 35 तक करते हैं। देख रहे हैं इसकी फाइल को एडजस्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ये 30 ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल है भी है, इसको हम 100 कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर राइट पे हम क्लिक कर देंगे, कंट्रोल ए कर रहे हैं फिर से। उसके बाद यहाँ से हम इसका, ये ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको मिनिमल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फेदर के बाद आएंगे ब्लर, गॉसियन ब्लर, इसको हम रखेंगे 10, ओके। उसके बाद आएंगे हम फाइल के ऊपर सेव कॉपी, और यहाँ पर हम इसको, ठीक है, इसको हम सेव करेंगे डिस्प्ले के ऊपर सेव, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल जेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हाइड करेंगे, और यहाँ पर हम आएंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद 20-20 करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रखेंगे, यहाँ पर ओके पे हम क्लिक कर देंगे, और जो हमारा चेयर हमने सेव किया था उसको हम लेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको हम शो करेंगे, और यहाँ पर क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इसके नीचे, और फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, अल्ट के साथ डिलीट को हम प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद लेयर, और यहाँ पर लेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे 180, ठीक है। और इसको हम साइज को, यहाँ तक हो गया हमारा, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल जे करेंगे, जे करने के बाद और इस एरो को हम प्रेस करेंगे, यहाँ तक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को हम लेयर को नीचे लाएंगे यहाँ पर, और इसको क्रिएटिंग क्लिपिंग मास्क है तो यहाँ से इसको हटाएंगे, और इसको भी हम क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले कॉपी पे, और यहाँ पर चैनल के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लेयर के ऊपर, और यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ हम मास्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस प्रकार सा होगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इन्वर्स करेंगे, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हम लेयर के ऊपर आएंगे, और यहाँ से हम सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम कलर ले लेंगे जो हमको कलर पसंद आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखिए इस प्रकार से हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर लाकर डिलीट कर देंगे। ये डिलीट होने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और इसकी विजिबिलिटी जो है उसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।